This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। दिल्ली में आग की घटनाओं की वजह से लोगों का बुरा हाल है। दिल्ली दमकल विभाग को 24 घंटे के अंदर 220 कॉल्स आग लगने की घटनाओं से मिली। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी नेता ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है और हताशा में है, इसलिए पीएम को गालियां दी जा रही है। पानी की कमी को लेकर दिल्ली सरकार ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि हरियाणा से कम पानी मिलने से दिल्ली में पानी की दिक्कत हो रही है। दिल्ली में जल संकट के कारण कई इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों तक टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। संदेशकाली घटना में 5 जनवरी को मामला दर्ज किया जाता है और 28 अप्रैल को मामला सीबीआई को सौंप दिया जाता है। महाराष्ट्र में बाबा साहेब आम्बेडकर पर राजनीति गरमा गई है। दरअसल बुधवार को मनुस्मृति का विरोध करते हुए जितेंद्र आव्हाड ने कुछ ऐसा किया जिससे बीजेपी को मौका मिल गया। इसे लेकर बीजेपी सहित सभी दल राज्य भर में प्रदर्शन करेंगे। गोरखपुर देश की हाई प्रोफाइल सीट है। यहां पर 1 जून को वोटिंग होगी। ये क्षेत्र प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। योगी आदित्यनाथ यहां से कभी चुनाव नहीं हारे हैं। यही नहीं, सीएम योगी ने यहां से जिसे सपोर्ट किया वह चुनाव जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुवार से कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद ड्रॉप मेमोरियल पर 45 घंटे के प्रवास के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इस दौरान मोदी यहां ध्यान लगाएंगे। देश के दक्षिणी छोर पर स्थित इस जिले में 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। महाराष्ट्र के कई इलाकों में जल भंडार में भारी कमी आई है। मौजूदा भंडार पिछले साल 29 मई को दर्ज 31.81% की तुलना में 9.17% कम है। महाराष्ट्र में एक वकील को ध्रुव राठी का वीडियो शेयर करना भारी पड़ गया है। मीरा भयंदर बसे विरार पुलिस ने अब एडवोकेट आदेश बंसोड़े के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने कहा कि इको मीडिया के 28 होर्डिंग है और आरोपी की मासिक आय करोड़ों रुपए है, लेकिन फिर भी जो होर्डिंग गिरा उसका निर्माण घटिया स्तर का था। सीएसएमटी और थाने में प्लेटफॉर्म के चौड़ीकरण काम को लेकर 63 और 36 घंटे का ब्लॉक रखा जाएगा। रेलवे के अनुसार इस दौरान मुंबई में लोकल के साथ दूसरी ट्रेनों की सेवा प्रभावित रहेगी। मुंबई से सटे डोंबिवली के टंडन रोड पर एक दुकान में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। धमाके में 9 लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली में 1 जून को इंडिया गठबंधन की एक बैठक होगी। ये बैठक लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन का आकलन करने और आगे की रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई है। महाराष्ट्र विधान परिषद की 4 सीटों पर 26 जून को चुनाव कराए जाने के हैं, जिसके लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। पुणे पोषण एक्सीडेंट के आरोपी का ब्लड सैंपल बदल दिया गया था। इस मामले में कमेटी बिठाई गई और जल्द ही यह कमेटी अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को सौंपेगी। एनसीपी एसपी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने विरोध प्रदर्शन करने के दौरान बाबा साहेब आम्बेडकर की तस्वीर भी फाड़ दी। अब आव्हाड के खिलाफ राज्य भर में प्रदर्शन तेज हो गया है। महाराष्ट्र के बीड में एक छात्र को जब 11वीं बार में सफलता मिली तो पूरे गांव के लोगों ने इसका जश्न खूब धूमधाम से मनाया। इसकी एक तस्वीर भी अब सामने आई है। वैश्विक दबाव में घरेलू शेयर बाजार आज गुरुवार को लगातार 5वें दिन नुकसान की राह पर है। बाजार ने कारोबार की शुरुआत 200 अंक से ज्यादा के नुकसान के साथ की है। इन दिनों नताशा स्टेनकोविक और हार्दिक पांड्या लाइमलाइट में बने हुए हैं। दरअसल कपल के तलाक के रूमर्स फैले हुए हैं। इन सब के बीच दोनों ही सोशल मीडिया पर अपनी अपनी तस्वीर शेयर कर रहे हैं। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।